नमस्कार दोस्तों, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको काफी हेल्प करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस को समझने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि नई नई वीडियोज आपको तुरंत मिलते रहे और आपका सिलेबस एकदम फटाफट चलता रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं जी ये क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मतलब सीधे सीधी बात है आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख पर ईयर, 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं हर साल। विच आर एज्यूम टू बी इंकर्ड कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट 8 ईयर्स पीरियड, और ये खर्चा आप कर रहे हैं लगातार 8 सालों तक। इफ द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, और इसके ऊपर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है 12%। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर आप 1 लाख रुपए हर साल खर्च कर रहे हैं 8 साल तक और इसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का, दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन अगर आप बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी देख लें। और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो का मैं आपको लिंक दे देता हूं ऊपर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि आप कॉन्सेप्ट को पूरा और अच्छे से समझ सके। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं और हमें क्या कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू तो सिंपल इसमें निकालनी है, फिर क्योंकि 1 लाख रुपए हर साल पे करना पड़ रहा है तो इसलिए वो हो गया हमारा एनुअल एनुटी। फिर क्योंकि 8 साल के लिए इसके अंदर पीरियड है तो एन हो गया हमारा 8, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर है 12%। ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये है इनपुट, हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं कि क्या आइटम क्या है। फिर ये आ गई हमारी टाइमलाइन। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली कि क्या क्या कैसे दिया है और कैलकुलेट कैसे क्या करना है। ये हमारे पास कुछ साल आ गए और ये आ गए हमारे 1 लाख रुपए जो कि 8 सालों के लिए है। जो पहला वाला है उस पर मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा है क्योंकि वो है T0, टाइम जीरो, मतलब बिल्कुल अभी के अभी, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं होता। फिर पहले साल से है आपका 1 लाख, दूसरे साल पर 1 लाख, तीसरे साल पर 1 लाख, और इस तरीके से 8 साल पर हमारे पास 1 लाख रुपए का अमाउंट है। तो इस तरह से ये 8 साल के लिए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इसमें हमने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम इसके अंदर पीछे की तरफ चलेंगे। जो पहला 1 लाख रुपया है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे T0 पर। इसी तरह से T2 पर जो अमाउंट है 1 लाख उसे भी हम T0 पर कैलकुलेट करेंगे। T3 पर जो अमाउंट है उसे भी हम T0 पर कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से T4, T5, T6, T7, T8 पर जो अमाउंट है उन सभी को हम प्रेजेंट वैल्यू वाली जगह पर यानी कि T0 पर लेकर जाएंगे। तो जब इस तरीके से हम पीछे की तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंटिंग की। तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे और लगाएंगे एनुटी वाला। तो हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कैश फ्लोज। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एनुअल एनुटी इंटू PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर। तो PVAF की टेबल हम इसमें देखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा अमाउंट है, 1 लाख रुपए की अमाउंट है। देखिए सिंगल अमाउंट नहीं है, मल्टीपल अमाउंट है, तो इसलिए हम PVAF की टेबल देखेंगे रेट और नंबर ऑफ ईयर पर। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एनुअल एनुटी की जगह पर 1 लाख रुपए, और PVAF का PVAF रहता है क्योंकि यहाँ पर टेबल से वैल्यू आती है देखकर,
और ये हम देखेंगे आर की जगह देखिए 12% कर दिया है और एन की जगह पर 8 कर दिया है। तो हम पीवीएफ की टेबल से ये वैल्यू देखेंगे। ये जो टेबल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू, 1 लाख की जगह 1 लाख, और पीवीएफ की टेबल में 12% और 8 साल के सामने मुझे वैल्यू मिलती है 4.968। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4,96,800। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सवाल कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं पूरा एफएम आपको यहाँ पर चैनल पर कराऊंगा, कॉस्टिंग भी पूरा आपको यहाँ पर कराऊंगा, आप यहाँ से पूरा आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम शेयर कीजिए, दोस्तों को भी पढ़ाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।